बीजामा के अंदर आज एक छोटा सा इवेंट आया जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में जानने वाले। उसका ओशन ओडेसी मोड जो है उसके अंदर भी चेंजेस हुआ रिसेंटली एक पैच अपडेट में पबजी प्लस बीजामा दोनों वर्जन में, और काफी जल्दी ओशन ओडेसी के अंदर एक न्यू एरिया ऐड होने वाला है ट्रेजर एरिया, उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो के अंत तक देखना। और जाते जाते मैं लास्ट में आपको एक स्पेशल एक्सूट दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैगन एक्सूट, और ये जो एक्सूट है अभी रिसेंटली आया है तो कुछ दिन में ये काफ़ी ज़्यादा हाइप बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये एक्सूट कहाँ देखने को मिलेगा और क्या ये बीजामा पबजी के अंदर आएगा कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगा सो डैट आप मिसलीड ना हो, ठीक है आगे जाके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले छोटा सा इवेंट है वो देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे जब आप देखो फ्रेंडशिप डे स्क्वाड गोल नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसका टाइम पीरियड आप देख पा 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ये इवेंट चलेगा, जिसमें आप देख पा एक बार अगर आप अपने फ्रेंड के साथ क्लासिक मोड खेलोगे तो आपको एक क्लासिक स्क्रैप मिलेगा, 2 टाइम्स खेलोगे तो आपको 120 AG करेंसी मिल जाएगा एंड 4 टाइम्स खेलोगे तो आपको एट रॉयल पास का आर्मी मिशन कार्ड मिल जाएगा। इसको यूज करते हुए आप मिशन स्किप कर सकते हो। छोटा सा ही इवेंट है, जस्ट फ्रेंड के साथ 4 मैच खेलना क्लासिक, ऑटोमेटिकली आपको 3 रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको पता है गेम के अंदर काफी सारा पैच अपडेट आते रहता है, कभी 2 MB 3 MB इस तरह का अपडेट आपको देखने को मिलता है, बट बीजामा के अंदर आपको पता नहीं चलता कौन सा अपडेट में क्या चीज फिक्स हुआ क्या चीज को हटाया गया, बट पबजी अपने पैच अपडेट जो भी आता है उसका इन्फॉर्मेशन देता है अपने प्लेयर को क्या क्या चीज चेंजेस हुआ। मोड के अंदर जो भी चेंजेस पबजी के अंदर होता है वो बीजामा के अंदर एक्जैक्टली सेम टू सेम होता है, फेयर गेम प्ले रखने के लिए कोई ज़्यादा एडवांटेज ना मिले तो इसे चलते काफ़ी बड़ा एक पैच नोट आपको देखने को मिलेगा। ये जो अपडेट कुछ दिन पहले ही आ गया था, मतलब 2-3 दिन पहले ही आ गया था, मेनली ये पैच नोट में थीम मोड में जो इक्विपमेंट है ना उसमें ही नर्व किया गया, मतलब काफ़ी सारा चीज़ों का पावर को घटा दिया गया जिससे आप ज़्यादा एडवांटेज ना ले पाओ। ठीक है, सबसे पहले आप देखो जो हम लोग का स्पेशल व्हीकल है स्ट्रिंग रे, उसमें हम लोग एक बबल फेंक सकते हैं जिसमें एनिमी अगर टैग हो जाता है तो उसको आप इजीली मार सकते हो। ठीक है, तो उसका जो पावर है उसको घटा दिया गया, जब भी आप एक एनिमी को टैग करोगे या ट्रैप करोगे उसके बाद एक कूलडाउन फेस आएगा, आप जल्दी से दूसरा बंदे को वो बबल में नहीं डाल पाओगे। वो जो कूलडाउन फेस के चलते ये जो व्हीकल का जो एबिलिटी है ना उसको थोड़ा सा घटा दिया गया, जिसके चलते आपको एक बंदे को ट्रैप करने के बाद खुद से मैन्युअली आके सीट चेंज करके मारना पड़ेगा और दूसरा बंदा नहीं तो इजीली मार सकता। ठीक है, तो ये एक चीज कर दिया गया। उसके साथ काफी बंदे वाटर और जो ब्लास्टर है ना उसका एडवांटेज ले रहे थे, मतलब फायदा ले रहे थे, तो उसको भी फिक्स कर दिया गया। उसके साथ ओशन पैलेस एंड 4 सेकंड रूल्स में जो स्ट्रिंगरे हम लोग को मिलता था व्हीकल उसका स्पॉन रेट को घटा दिया गया, पहले हम लोग को इजिली व्हीकल मिल जाता था बट अभी काफी कम कर दिया गया है। भले वह आप ओशन पैलेस चल जाओ या 4 सेकंड रूल्स में चल जाओ, दोनों में ही जो स्पॉन रेट है व्हीकल का दोनों का घटा दिया गया, तो उतना जल्दी आपको व्हीकल नहीं मिलेगा, या तो आप शॉप से खरीदो या तो रेयरली आपको मिलेगा तब उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका रिमेनिंग जो फिक्सेस है वो मेट्रो रॉयल पेलोड मोड में ही केवल आया, मेट्रो रॉयल तो बीजामा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। पेलोड मोड का जो जेट फाइटर उसमें भी चेंजेस किया गया, उसका भी शायद से बहुत सारा बग्स आ गया था अपडेट के बाद, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पैच चेंजेस था जो कि रिसेंटली हुआ है गेम के अंदर, जिसके चलते आपको कुछ कुछ चीज़ों का पावर जो है वो कम होते हुए दिख रहा होगा, स्पॉन रेट है व्हीकल का वो भी आपको कम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बट रिसेंटली पबजी मैन अपने सोशल मीडिया में ये पोस्टर शेयर कर रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हो एयर ड्रॉप कार्निवल पायरेट बैस आपको दिखाई दे रहा, ओशन ओडेसी जो अपडेट है उसके अंदर पायरेट्स आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आइलैंड है काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, मिलिट्री का सामने भी आपको देखने को मिल जाएगा। पबजी के अंदर 2 अगस्त को ये आइलैंड ऐड हो जाएगा जिसमें आपको काफी सारा लूट मिलने वाला है, हिडन ट्रेजर जो रहेगा वो बरीड रहेगा उसको आपको निकालना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड इवेंट भी होगा। बीजामा के अंदर एग्जैक्टली यही डेट में आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, अगर आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक न्यू आइलैंड जो आप देख पा रहे हैं ऐड होने वाला है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है, 2 अगस्त को पबजी में कन्फर्म ऐड हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा बीजामा के अंदर उस दिन ऐड होता है या दूसरा दिन, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तभी हम लोग एक्सूट्स का बात करते हैं। तो गाइस आप सबको पता है कुछ महीनों पहले हाइप बनाया गया था कि हम लोग का गेम के अंदर पबजी एंड बीजामा के अंदर मम्मी एक्सूट आने वाला है, ये देखो मम्मी एक्सूट, बट मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मम्मी एक्सूट आपको बीजामा के अंदर उम्मीद मत करो ये नहीं आने वाला, ये गेम फॉर पीस मतलब पबजी मोबाइल का चाइनीज वर्जन में आया है, देखने में काफ़ी नेक्स्ट लेवल है और ये काफ़ी लोगों को पसंद आया, ये चलते वो लोग बोल रहे कि बीजामा पबजी में आएगा, और जिसका चांसेस अभी ना के बराबर है, अभी तो वो चीज़ कन्फर्म भी हो गया क्योंकि इस बार जो एक्सूट आ रहा है वो आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन में ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली गेम फॉर पीस में एक और न्यू एक्सूट ऐड हुआ है और मुझे कन्फर्म पता है ये जस्ट ऐड हुआ है, तो 2-3 दिन में आपको काफ़ी सारे ऐसा वीडियो दिखेगा कि ये बीजामा एंड पबजी में आएगा, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसका उम्मीद मत करना, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आपको पता है स्कैम में मत फंसना। ठीक है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गेम फॉर पीस है वो अपने एक्सूट को कितना नेक्स्ट लेवल बनाता है, और एक्सूट को एक्सूट जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हम लोग का एक्सूट आ चुका है, ड्रैगन एक्सूट आप इसको बोल सकते हो, लेवल 1 फॉर्म आप देखने को मिल जाएगा
और लेवल वन फॉर्म ही इसका काफी खतरनाक है। अपग्रेड तो बाद का बात है, लेवल वन भी इसका काफी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग लेवल्स आपको दिखाया जाए, जिसमें आपको लेवल वन में कुछ वॉइस पैक भी मिल जाएगा और कुछ इमोट मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि इसमें एक्सोड केवल आप निकाल भी लेते हो ना, तब भी आपको काफी सारा चीज मिल जाएगा, जैसे वॉइस लाइन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप देख पर कुछ एंट्री इमोट ये सब आपको लेवल वन में मिल जाएगा, जिससे आपको फोर्सफुली अपने बोल सकते हैं एक्सोड को लेवल अप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इधर आप देखो लेवल वन फॉर्म के अंदर ही आपको ये सब एनिमेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, मुझे चाइनीज वर्जन का एक और काफी चीज अच्छा लगा, वो ये है कि ये लोग नॉर्मल नॉर्मल चीज में भी ध्यान दिए। लेवल टू जैसे करोगे तो उसके बाद आप जब गेम के अंदर बैंडेज इक्विप करोगे तो इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप जब स्प्रिंट करते करते जंप करोगे ऑब्स्टेकल का, तो ये इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा एक्सूट का। तो ये सब बोला जाता है एक्सूट, जिसमें हर एक चीज में आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद आप देख पाए लेवल 3 में ही आपको मिल जाएगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और एमबीपी का अलग ही इमोट आपको देखने को मिल रहा है। उसका लेवल 5 में आप देख पाए रनिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है, जंपिंग एनिमेशन आप देख पा रहे हो, उसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है। ये एक एक्सक्लूसिव पोज है जो कि आपको देखने को मिलेगा जब मैच खत्म होगा शायद उस टाइम। लेवल 6 में क्या ही कहना भाई, इसका अपग्रेडेड फॉर्म आप देख पाए कितना नेक्स्ट लेवल लग रहा है, कैरेक्टर के ऊपर एकदम ड्रैगन वाला वाइस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो आखिरी लेवल है ये तो पूरा एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा। और मतलब एंट्री इमोट ये सब होता है ना, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आप मैक्स करोगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ मैं उसको ट्रांसलेट नहीं किया हूँ, तो ये कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हो। एक्सूट का लुक काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, और मम्मी एक्सूट तो आपने देखा ही लाजवाब, उसके साथ साथ ड्रैगन एक्सूट भी आ चुका और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ देख ली, अब ये मत समझना ये बीजेएमआई के अंदर आने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो बना के बता दिया। नेक्स्ट एक्सूट आएगा नवंबर में आएगा, और उसमें भी आप ये उम्मीद मत करना। ठीक है, चलो इतना रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।